शुक्रवार को बिहार के गया में स्थानीय हरिहरपुर स्कूल के सभागार में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा समर्थित प्रत्याशी देवश सिंह को विजय बनाने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान परिभ्रमण के तहत गया पहुंचे मगर मंडल के विभिन्न प्रखंडों से आए शिक्षकों को उन्होंने अपने एजेंडों से अवगत कराया। मौके पर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन, पूर्व अध्यक्ष मूल्यांकन परिषद शाहफर इमाम, प्रमंडल अध्यक्ष कमल, प्राचार्य रेखा कुमारी सहित कई शिक्षक मौजूद थे। उपस्थित शिक्षकों ने प्रत्याशी देववंश को माला पहनाकर उन्हें जीत सुनिश्चित करने की घोषणा की। इस मौके पर देववंश सिंह ने कहा कि वह सेवानिवृत्त प्राचार्य और वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय आरा के सिंडिकेट सदस्य के साथ साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने बताया कि वो 35 वर्षों से शिक्षक की चौकीदारी करते आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों की हर समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से जो लोग शिक्षक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सिर्फ शिक्षकों को ठगने का काम किया है। जरा सरकार की विफलता आप जान लीजिए ना, क्योंकि शिक्षा हमारे देश और राज्य का इम्पोर्टेंट इशू है। अभी मैं एक फैक्टर पर आपको बोल रहा था कि इन्होंने शिक्षक नहीं दिया 18 वर्षों से 85% विद्यार्थी, अब बताइए कि विज्ञान का शिक्षक नहीं रहेगा तो कौन पढ़ेगा। और इतना ही नहीं, वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में प्लस टू शिक्षक विद्यालय को अपग्रेड कर दें। आपको भी ये संज्ञान में है, बिल्डिंग 2.5 करोड़ के बनवा दिए इसलिए कि ब्यूरोक्रेटों के माध्यम से धनराशि कुछ प्राप्त होते हैं, लेकिन आज तक इसके आप भी कुबाद हैं। आज तक हमारे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन और कतिपय विद्यालय हैं कि बिना शिक्षक के चल रहे हैं, बच्चे नामांकित हैं, परीक्षा में एडमिट हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब अनुमान आप ही लोग बताइए, लोकतंत्र के प्रहरी आप भी हैं, हम ही नहीं हैं, आप बताइए कि कैसे शिक्षा की परिकल्पना होगी। हमारा एक उच्च शिक्षा का भी है, उच्च शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी जी सर, एक अफिलिएटेड कॉलेज उसका होता है, संभवता प्राप्त महाविद्यालय होता है। ठीक, 12 का अनुदान राज्य सरकार अब भेजी है, कतिपय शिक्षा की धरती छोड़ के चले गए 11 वर्षों में, जो जिंदा है इलाज के लिए तो अस्पताल में भर्ती हैं, बेड पर पड़े हैं। एक पीढ़ी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ी भी आ गई है। सरकार देख क्या रही है उनको कि अनुदान करती है, उस अनुदान को मैं कृपा अनुदान करता हूँ। ठीक है, ठीक है। वेंटिलेटर पर है शिक्षा आपकी निगाह, तो ऐसी स्थिति में धन बल, बाहुबल, मसल्स पावर के बीच आप हैं, कहा जाए तो 32 दांत के बीच एक जीव आप खड़ा है, ऐसे में कैसे संघर्ष आपकी? मैं उन लोगों के धनबल की चुनौती को स्वीकार करके ही आया हूँ, कोई अनजाने में नहीं आया हूँ। मास्टर में आया हूँ, मैं इन माफियाओं के धनबल को स्वीकार करते आया हूँ और चुनौती को मैं स्वीकार किया। ठीक है, धन्यवाद। हमारे शिक्षक जवाब देंगे, धर्म बल, धन बल के जीतेगा कि कर्म बल जीतेगा, यह चुनाव इतिहास बनाएगा, इतिहास बनाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।